Hello, hello, hello. Assalamu alaikum to all my sweet listeners. This is me, Ahsan Iqbal. जानते तो आप हैं, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो और शो आपका जाना पहचाना सारी दुनिया में माना बैटल ऑफ द बेस्ट। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ साकिब रजा है, लेकिन उनकी तरफ बढ़ने से पहले, क्योंकि मुझे पता है बाद में माइक मिलना कोई नहीं है, आप बताएं आपके हाल चाल कैसे हैं, आपके आसपास के लोगों के हाल कैसे हैं, आपका मौसम कैसा है आसपास का, आपके दिलों का मौसम कैसा है, ये सब आपने बताना है। बिल्कुल वैसे ही कैसे साकिब रजा बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम साकिब रजा। वालेकुम अस्सलाम अहसन इकबाल, थैंक यू वेरी मच, आपसे मैंने माइक ले लिया है फाइनली, और आप बताते रहते तो पता नहीं कहां बात निकल जाती। बहरहाल आप हमसे राबता कर सकते हैं, राबते का नंबर है 0330-86-0072, ये व्हाट्सएप नंबर है। पहले तो हम आपसे पूछेंगे क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, आप मुझे भी जानते हैं जिस तरह अहसन ने आपको बताया साकिब रजा, और मैं तो यही कहूंगा भाई, जानते हो फिर भी अनजान बनते हो, क्यों इस तरह से परेशान करते हो और पूछते हो क्या पसंद है, जवाब खुद हो फिर भी सवाल करते हो। भाई मैंने कहा आते के साथ ये थोड़ा सा आपके ये मौसम का असर है। मौसम का असर है, भरपूर असर है भाई, कभी गर्मी कभी सर्दी इस तरह चल रहा है सिलसिला, बारिशें भी चल रही हैं और कभी सूरज निकलता है तो वो भरपूर जोहर दिखाता है, तो ऐसा ही कुछ सिलसिला है। जनाब अहसन इकबाल कैसा रहा हफ्ता? हफ्ता ऐसा बेहतरीन के बस नहीं पूछे आप। थर्सडे आई थिंक पीक ऑफ द वीक होता है, तो मेरे ख्याल से थर्सडे वाले दिन जो है वो थोड़ी सी ज्यादा, मतलब हम जब शो कर रहे होते तो ना ये वीक का स्टार्ट होता है ना एंड होता है, तो हम इसलिए बोल रहे होते हैं भाई हफ्ता बहुत जो है ना जबरदस्त चल रहा है। वेल लिसनर्स बताएंगे कि उनका हफ्ता कैसा चल रहा है, सिर्फ हफ्ता ही नहीं बताना, आपने वैसे ही बताना है कि आप जो हमारे पिछले शोज हैं उसके बारे में आप लोगों का फीडबैक बहुत मजे का आया, और खासकर हमारे अंदाज को लेके तो फीडबैक भी बहुत मजे का, जो लिसनर्स की जानिब से हमें कंटेंट शेयर किया जाता है, लेकिन हमारे कंटेंट के ऊपर फीडबैक बहुत कम आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि लिसनर्स जरा कन्वर्ट हो हमारे, हमसे हटके जरा अहसन इकबाल और साकिब रजा की तारीफें कम हो और हमारे कंटेंट की तारीफें बढ़ती चली जाए, तो लिसनर्स आपने इस तरफ तवज्जो देनी है। बिल्कुल जनाब अहसन इकबाल, सही कहा आपने, हमारी तारीफें तो बहुत होती है भाई, मैं हर बार कहता हूँ कि हमारी एनर्जी को लोग बड़ा सराहते हैं, हमें पसंद करते हैं, हमारा साथ शो करना पसंद करते हैं, तो अल्लाह ताला हम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे, और आगे शादी का सीजन भी आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, उस पर भी शोज करेंगे। बाकी ये कि जाहिर है जिस तरह अभी बात हो रही थी कि हम मिड ऑफ द वीक तकरीबन शो कर रहे होते हैं, वैसे वीकेंड की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन हार्ड वर्क चल रहा होता है, मुख्तलिफ चीजें चल रही होती हैं, काम होता है, ऑफिस वर्क होता है, तो आज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट वर्क के ऊपर कि भाई स्मार्ट वर्क क्या है और आजकल के इस जदीद दौर में स्मार्ट वर्क कितना अहम हो गया है कि एक बंदा जो जंगल में बैठ के लकड़ियां काट रहा है और काटे जा रहा है उसको पता नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, और ऊपर से वो रिसर्च करके आया कि कहाँ पे लकड़ियां अच्छी हैं वहां से वो काटेगा तो उसको कितना फायदा होगा, तो आजकल के दौर में स्मार्ट वर्क की क्या अहमियत है? आजकल के दौर में लकड़ियों की क्या अहमियत है, अभी आपने क्या मिसाल दी है, मतलब थोड़ा लकड़ियां भी होनी चाहिए ना। वेल लिस्टर साकिब रजा की काफ से कच्ची है इस प्रोग्राम में, ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी, मतलब स्मार्ट स्मार्ट लगा लगा के इन्होंने मुझे स्मार्ट कर दिया है, ये स्मार्ट वर्ड था जिनको ये साकिब रजा है, ये कुछ भी भाई भाई कुछ भी, मतलब कहीं भी। अच्छा जी, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, इसको हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में भी ला सकते थे, लेकिन पिछले हमने शो में ज्यादा प्रोफेशनल हो गए थे हम, फजूल में टीम वर्क वर्सेस इंडिविजुअल वर्क, सेल्फ वर्क, ये वर्क वो वर्क, मैं तो परेशान हो गया था, मेरे ऑफिस वाले बोलने लगे कि यार तुम इतने काम तो करते नहीं हो जितने शो में तुमने काम बता दिए, मैंने बोला हाँ ये ठीक है, बस आप ये नहीं समझेगा, ये मैंने बस लोगों को बताने के लिए बोला है, मुझे तो खतरा महसूस हो गया कि मेरी नौकरी जो है वो 8 घंटे से 16 घंटे की होने वाली है। सो जनाब स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा हमारे जो नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं उससे बहुत लिंक करता है, और वो मैं अभी आपको रिवील नहीं करने वाला, अभी हमने गाना भी सुनना है मस्त किस्म का, तो बात कर रहे हैं हम स्मार्ट वर्क के ऊपर, कीबोर्ड राइटिंग वर्सेस हैंड राइटिंग, ये एक स्मार्ट वर्क बेहतरीन जो है वो चीज़ जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं पहले जो हमारी अम्मा होती थी वो चटनी पीसा करती थी, वो चट्टू बट्टा उसको हम लोग कहते हैं, पता नहीं माम दस्ता भी कहते हैं, और जिसके अंदर सारी चीज़ें डाल के उसको एक डंडा होता है वो मोटा सा, उसको ठक 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 लिए जाते हैं, छोटे बच्चे होते थे हम तो हम जोश जोश में, अम्मा बस मसाले आप डाल लो पीसेंगे हम, पीसता होता नहीं था हमसे, जाहिर सी बात है कोई जोर तो लगता नहीं था, छोटे बच्चे थे, बिल्डर तो थे नहीं हम, तो ना गामा पहलवान थे हम, तो सीन ये हुआ कि अम्मा ही फिर एंड में करी होती थी, लेकिन हमें चांस दिया करती थी, ये बहुत ही बेहतरीन बात थी। आज चांस लेते लेते मेरे ख्याल से नई सुबह वेब रेडियो पहुंच गए, तो
क्या बात है जनाब। और नई सुबह वेब रेडियो भी एक तरह से स्मार्ट वर्क है, मतलब अपनी आवाज पहुंचाने के लिए क्या पहले आप FM का पूरा एक फ्लोर सेटअप करो और उसके बाद उसका लाइसेंस लो, स्टूडियो टाइप कुछ करो और बेहतरीन मिसाल बेहतरीन आप सीधा सीधा सैटेलाइट चैनल खोलो और इंजॉय करो। कमाल है हसन इकबाल, बिल्कुल यही बातें हैं। और स्मार्ट वर्क आजकल बिल्कुल आप लकड़ियों से आगे अगर हम आए तो जिस तरह एक बंदा है कहीं जा रहा है, उसने किसी प्रोग्राम में पहुंचना है, वो डायरेक्टली अगर निकलता है घर से अपनी राइड बुक करता है या फिर अपनी पर्सनल गाड़ी में जाता है तो वो कहीं जाकर ट्रैफिक में फंस जाता है। तो इसका स्मार्ट वर्क ये होता है कि मतलब आप पहले ही गूगल मैप पर देख लो कि कहाँ क्या ट्रैफिक है, क्या चीजें हैं, कौन सा रूट सबसे ज्यादा रहेगा। हाँ, स्मार्ट वर्क की बेस जो है वो रिसर्च है, बिल्कुल आप ठीक है। लेकिन बात ये कि सिर्फ रिसर्च पे काम नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन बहुत मैटर करती है। मतलब बहुत से लोगों को डेटा एनालिसिस उस तरीके से नहीं आता। अच्छा, डेटा एनालिसिस बहुत ही कोई खूबसूरत स्किल है, मैं समझता हूँ जितने भी हमारे लिसनर्स हैं जो कि अप टू 30 या 30 के मिड में हैं, मतलब जो इस वक्त जो है वो अपने आपको टाइम दे सकते हैं, स्किल वर्क कर सकते हैं, तो वो प्लीज डेटा एनालिसिस को सीखें। डेटा एनालिसिस इतना काम का स्किल है कि आपके पास अगर सब कुछ है लेकिन आपको उसका एनालिसिस नहीं आता, आप उस डेटा को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो है वो इंटरनेट है, इंटरनेट का दौर है, तो इसमें फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है, मतलब आपके पास हर किस्म का नॉलेज वन क्लिक पर मौजूद है। अगर आप विजुअली इंपेयर्ड हैं तो डबल क्लिक पर मौजूद है, लेकिन मौजूद जरूर है। तो इसमें आपको बेहतरीन डेटा अपने लिए खुद चूज करना है कि कौन सी चीज आपके लिए सबसे बेस्ट है। वो करने के लिए आपके पास रिसर्च से ज्यादा डेटा एनालिसिस की स्किल होना बहुत जरूरी है। सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन डेटा पिकिंग। जो आप जाहिर सी बात है 24 घंटे में आप बिलियंस ऑफ वीडियोज हैं, बिलियंस ऑफ फाइल्स हैं जो आप देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, बट यू डोंट हैव इनफ टाइम। तो उसके लिए आपको अपने लिए कुछ सेलेक्टेड कुछ करना पड़ेगा जो कि आपकी आपकी इंडिविजुअल लाइफ को भी बहुत इम्पैक्ट करे और आपके लिए टाइम सेविंग भी हो प्लस प्रोडक्टिव भी हो। ऑलराइट जनाब, इस पर बात चलती रहेगी, आज हम स्मार्ट वर्क पर ही बात करेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारा जो टॉपिक है वो भी इसी से ही लिंक कर रहा है, तो उस चीज को अभी एसएन ने स्किप भी किया था, तो उसी पर ही बात करेंगे। और आजकल के दौर में क्या ऐसा शॉर्टकट तरीका आ गया है कि लोग वो चीजें कर रहे हैं जो शायद पहले तसव्वुर भी नहीं की जा सकती थी, इस तरह की चीजें आजकल हम देख रहे हैं, तो इसी पर आज बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं, अभी सुनते हैं गाना। गाना सुनने से पहले मैं कुछ परवीन शाकिर के अशआर के साथ ब्रेक पर जाना चाहूंगा। परवीन शाकिर साहिबा कहती हैं, कूबकू फैल गई बात शनासाई की। भाई हसन इकबाल, तसव्वुर चेक कीजिए, क्या बात है। कूबकू फैल गई बात शनासाई की, बारिश इतनी हुई कि जरूरत पड़ गई रजाई की। आए आए आए, क्या बात है भाई। उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। भाई क्या बात है। और अगला शेर है, वो कहीं भी गया, वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास ही आया। लौटा वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास। काट काट, नो नो नो, दिस इज नॉट काट। मजा आया यार, वो कहीं भी गया, वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास ही आया, बस यही बात अच्छी है मेरे हर जाई। हाय, वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात थी अच्छी मेरे हर जाएगी। हम भी फिर आते हैं दोबारा गाने के बाद, वापस आपके पास ही आना है, हमने कहाँ जाना है, सुनते हैं जबरदस्त सा गाना। वेलकम बैक लिसनर्स, हम आ गए वापस ब्रेक के बाद, समोसे चाय एंजॉय करने के बाद। हसन इकबाल, स्मार्ट वर्क की मजीद क्या ऐसी खसूसियात हैं और आजकल के दौर में इसकी क्या अहमियत है, मैं चाहूंगा इसकी इम्पोर्टेंस पे भी हम बात करें। वेल लिसनर्स, हम स्मार्ट वर्क की बात कर रहे थे। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था कि हम स्मार्ट वर्क अपनी डेली लाइफ में हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जो हम इम्पैक्ट देखना चाहते हैं तो हमें इस तरह नजर आ जाएगा कि हमसे जो पिछली जनरेशन थी और अब की जनरेशन है, इन दोनों में जो डेली जो वर्क लोड है ना, अब उसको जिस तरह से वो मैनेज करने का तरीका है, द वे दे वर मैनेजिंग देयर टास्क और द वे वी आर मैनेजिंग आवर टास्क, उनको अगर हम देखें तो
हमें खुद साफ नजर आएगा कि हम कितना स्मार्ट वर्क को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी और कितना मजीद हमें करना है। यानी एक आम रक्षे वाला जैसे पहले रक्षा चलाया करता था तो उसकी डेली इनकम इतनी नहीं थी क्योंकि उसके पास सिर्फ वही सवारी थी जो उसको देख पा रही थी। अब जब हमारे पास ये कार बुकिंग ऐप्स आ गई तो अब पूरे जो उसके एरिया में एक स्पेसिफिक एरिया उन्होंने पूरा एक जो है वो हर किसी के अपने पैरामीटर्स हैं, किसने जो है वो 10 मीटर्स 10 किलोमीटर्स के अंदर, मतलब इस तरह से वो जहाँ भी आपकी लोकेशन है उसके आसपास जितने भी राइड्स लोग बुक करवा रहे हैं वो अपने अपनी बिल्डिंग में बैठे हैं, अपने ड्राइंग रूम में, जैसा कि हम अपने स्टूडियो में बैठ के सागर ब्रदर जब जाते हैं तो राइड कराते हैं। तो अब राइडर उनको नहीं देख पा रहा बट उसके बावजूद भी उस तक वो चीज़ पहुँच रही है कि सागर ब्रदर ने यहाँ से जाना है, यहाँ पहुँचना है तो इतने पैसे मैं दे सकता हूँ, इतने पैसे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं इसको लेके जाऊँ। सागर ब्रदर देखेंगे कि उनकी अफोर्डेबिलिटी क्या है और उसके बाद उनको वो डन करते हैं। तो ये एक तो टाइम सेविंग चीज़ हो गई, सेकेंड थिंग आपकी इनकम का जो रेट था वो इतना इंक्रीज हो गया और उसमें आपकी कोई एफर्ट नहीं है। यानी इसमें लोग फिर प्लेटफॉर्म फीस देने के लिए भी तैयार होते हैं कि जब आप उनको इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं कि एक बंदा जिसको आप देख नहीं रहे, जिससे आपको डायरेक्ट हैंड टू हैंड डील नहीं करनी पड़ रही और आप उस तक पहुंच भी नहीं सकते। लेट सपोज अगर यहाँ पर कोई ऐसा बाइक वाला है जो हमसे कोई 2 किलोमीटर दूर है तो उसे कैसे ये इल्हाम होगा कि हमें कहीं जाना है, तो उसे हमारे तक पहुंचना पड़ेगा, तो यानी 2 किलोमीटर का रास्ता वो तय करेगा और उसे पता भी नहीं आगे सवारी मिलनी है नहीं। फिर वो हमने उसको हाथ दिया, उसने गाड़ी रोकी, हम तक हमारी आपस में डील हुई नहीं हुई, तो उसको दोबारा, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि लोग इसके बावजूद भी जो 5% 10% 7% जो प्लेटफॉर्म फीस है वो देने के लिए इतना रोते हैं। हालांकि आपको कितने मंथली अगर कस्टमर्स हम निकालें तो हम बोलेंगे यार इतने का तो हमें सक्का दे देना चाहिए। तो ये सीन है प्लेटफॉर्म फीसिस, तो खैर ये बात की बात है। इस तरह हम फूड पैंडा पे आते हैं या किसी और एप्लीकेशन पे जो हमें होम डिलीवरी की सर्विस दे रही है, उसमें भी यही सीन है कि हम शायद अपने पूरे शहर की मार्केट्स को जानते भी ना हो और हमें पता भी ना हो कि उधर क्या प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, लेकिन जब हम उस ऐप में जाते हैं और उस ऐप में हमें सारे एक एक जो है वो मार्ट की और एक एक उसके अंदर दुकान की एक एक शेल्फ हमें दिखाई देती है, उसकी इंडेक्स बनी हुई होती है, तो वहाँ से हमें हर प्रोडक्ट उसका प्राइस, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, उसकी एक्सपायरी डेट, सब चीज़ें हमें पता लग रही होती हैं। तो हमें घर बैठे ऐसे लगता है कि हम उस मार्ट में हैं। तो आई थिंक स्मार्ट वर्क को टेक्नोलॉजी लीड कर रही है। टेक्नोलॉजी के अलावा अगर हम स्मार्ट वर्क देखें तो वो स्ट्रेटजीज के स्मार्ट वर्क होता है। यानी एक बंदे को जो है वो यहाँ मैं फिर बात करूँगा कि एजुकेशन यहाँ बहुत मैटर करती है, वो जो हमने टेक्नोलॉजी की बात की तो वहाँ शायद स्किल ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन बहुत मैटर करती है। अगर आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है तो स्ट्रेटजी आपको लॉन्ग लाइफ स्मार्ट वर्क देती है। यानी लेट सपोज पहले लोग पैसे जमा क्या करते थे, कमेटियाँ डाला करते थे, अब लोग स्टॉक्स में, ट्रेडिंग में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं या कोइंस में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, माइनिंग करते हैं। उससे क्या होता है कि पैसा आपके पास तो है, सेव है आपका पैसा, लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं रनिंग में है और उस रनिंग में होने की वजह से ज़्यादातर चांसेस ये हैं, अगर आपकी एजुकेशन है, आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, आप लॉन्ग लाइफ उससे अर्न कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आप उससे लॉस में चले जाएं, लेकिन एटलीस्ट वो पैसा मार्केट में है और मार्केट में होने की वजह से बाकी लोगों का कारोबार चलता है। यानी अगर आपको पैसा जमा करना है, ये बिल्कुल इसी तरह है कि पैसे जमा करने के लिए हमारे पास अगर 2-3 लाख रुपए हैं तो हम उसको अपने पास रखते हैं तो वो पैसा हमारे पास पड़ा रहेगा, बल्कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, चीज़ें महंगी होंगी तो उस पैसे की वैल्यू कम होगी। अगर हम उसी को अपने पास कोई ऑनलाइन हमने अकाउंट खुलवाया डिजिटल किसी इन्वेस्टमेंट्स का तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर लेते हैं, या पहले ऐसे होता था कि हम जो है वो कोई गाड़ी खरीद लेता था, लेट सपोज गाड़ी खरीद के उसने जो रेंटर कार वाले होते हैं उनको दे देते थे लोग, तो वो भाड़े पे एक तरह से जो पहले सिस्टम चलता था ना, तो उस तरह का एक सीजन होता था, वो बहुत स्मार्ट लोग करते थे। यानी कि उनको स्ट्रेटजीज पता होती थी कि आपका पैसा रनिंग में रहे, मार्केट में जितना पैसा रहेगा आपकी कंट्री ग्रो करेगी, आपके लोग ग्रो करेंगे। और मैं सबको इनकरेज करूंगा, अभी तो वैसे हम ज़्यादातर जो हमारी टारगेट ऑडियंस है या लोग हमें सुनते हैं, ज़्यादातर मेजोरिटी ऐसे लिसनर्स की है जो कि अभी अपब्रिंगिंग की एज में है, मतलब कि फाइनेंशियली मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी तो खैर पैसे जमा करने का सीन नहीं, अभी तो सर्वाइवल का सीन है। आफ्टर दैट जब पैसे जमा करने की बारी आएगी तो कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि भले आप 10% 15% अपना सेव करें, बट ज़्यादातर पैसे जो है वो उसको इन्वेस्टमेंट्स की तरफ उसका रुख कीजिएगा ताकि मार्केट ग्रो करे। जब मार्केट ग्रो करेगी तो हम सबका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो ज्यादा इंक्रीज होगा। बिल्कुल जनाब, आपको झलक नजर आ रही होगी एहसन इकबाल में कि ये जितने प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्टेड हैं उतने ही जो है ये ठेले वालों के साथ भी कनेक्टेड हैं। तो हर तरह की बात, हर तरह का कंटेंट इनके पास है। इसमें जो एक और चीज बहुत अहम है, जैसे अभी एहसन ने भी बात की थी, स्ट्रेटजीज और प्लानिंग्स और गोल्स, ये आपकी लाइफ में जरूर सेट होने चाहिए। अगर ये सेट होंगे तो आप बहुत इजीली अपना स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। और अपनी लाइफ में कैसे स्मार्ट वर्क को, मतलब डेली लाइफ में कैसे इंक्लूड करते हैं, या आपको लगता है कि ये चीजें मैं बहुत स्मार्टली कर रहा हूँ तो इसलिए मेरा टाइम बचता है। लाइक जैसे हमने किसी को पैसे देने तो हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लेते हैं सीधी सीधी,
इस तरह की, मतलब क्या आपकी लाइफ में जो चीजें हैं जिनको आप लगता है कि यार ये चीजें मेरी जिंदगी में, यहाँ पर मैं जरूर बात करना चाहूंगा, जैसे हम विजुअली इम्पेयर्ड हैं, आप सबको मालूम ही है जो हमारी ऑडियंस है, तो अक्सर क्या होता है कि हम जो हमारे पास हार्ड कैश होता है, अगर मैं इसको इस तरह डिफ्रेंशिएट करूँ, जो हमारे पास कैश होता है वो हम जब दे रहे होते हैं ना, तो हमें एक डाउट रहता है या मुश्किल फील होती है कि यार अभी निकालने इतने सारे पैसे हैं इसमें से, पता नहीं कि कौन सा नोट कैसे पता चलेगा, तो वहाँ पर हमें इजी रहता है। मैं खुद इस चीज़ को प्रेफर कर रहा होता हूँ, जब मैं कहीं राइड लेता हूँ या कहीं जा रहा होता हूँ आ रहा होता हूँ, तो मैं कोशिश मेरी यही होती है कि मैं ऑनलाइन ही उनको पेमेंट करूँ, ताकि बस वो मुझे पता है ना कि जाना है और 200 बिल है, तो वो 200 मैंने लिख दिया वहाँ पर, बस 2 मिनट का काम था, हो गया। अब टेंशन रहती कि भाई मेरे पास जो जेब में पैसे हैं उसमें से अब मैं निकालूं, देखूं भाई 100 रुपए का नोट कौन सा है, 500 रुपए का कौन सा है, तो ये चीजें इस तरह मैं स्मार्ट वर्क कर रहा होता हूँ अपनी लाइफ में, कि मैं प्रेफर कर रहा होता हूँ जो चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा उठाता हूँ, और फिर इंडिपेंडेंस भी फील होती है मेरे ख्याल से। जब हम जेब में से पैसे निकालते तो हम भाई से पूछ रहे थे सर ये कितने हैं, ये कितने हैं, एक फील आ रहा होता है कि यार मुझे इसकी असिस्टेंस लेनी पड़ रही है, और जब आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हो तो आप सिंपली अपने स्क्रीन रीडर के थ्रू उसको जब पढ़ लेते हो कि इतना अमाउंट मैंने उसको सेंड किया, उसको स्क्रीनशॉट भी सेंड करते हो, और अगला दंग रह जाता है, उस्ताद ये तुमने कैसे किया कैसे किया भाई, हमारा एक मतलब हमसे इम्प्रेस होके चला जाता है बंदा, तो वो भी एक अलग चीज आ जाती है। ये भी स्मार्ट वर्क है, इमेज का इमेज बन गया, काम का काम हो गया, काम का काम हो गया, और आपके पास रिकॉर्ड भी आ गया कि मैंने फलां को इस दिन पेमेंट दी थी, वो आपके पास स्क्रीनशॉट्स ट्रांजेक्शन डिटेल्स मौजूद होती हैं। तो अगेन ये स्ट्रेटजी वर्क, मैं समझता हूँ कि आपका आप पूरा मंथली अपना फिर बिल बना सकते हो कि अपनी उन रिसीट्स को देखकर, अगर इस तरह खुले कैश में जो है वो पेमेंट्स करते हैं तो आपके जहन में भी चीज़ें नहीं रहती, और आपका अच्छा मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं मंथली ना कुछ कैश विदड्रॉ करवा लेता हूँ, ताकि जो मेरी फिजिकल पेमेंट्स है वो मैं फिजिकल कर रहा होता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि वो ऐसे हाथ से स्लिप होते हैं कि वाकई लगता है पैसा हाथ की मेल है, क्योंकि आपने तो जब निकाले तो आपके माइंड में वही उतने ही पैसे हैं, लेकिन वो रोज के किरायों में यहाँ वहाँ इधर उधर खर्च होते होते वो 10-12 दिन बाद वो आपके आप वो वाला पॉकेट खाली, आप परेशान होते हो ये पैसे आए थे गए कहाँ। तो ये जो ऑनलाइन हमारे रिसीट्स का सिस्टम है या फिर वो जो डिजिटाइजेशन का सीन है, उससे क्या होता है कि चीजें रिकॉर्ड में रहती हैं, आपको अच्छा यार 5 यहाँ दिए थे, 3 वहाँ दिए थे, 2 यहाँ दिए थे, तो उस तरह करके क्लियरली आपको नजर आ रहा होता है, आपकी मेन स्क्रीन पे आपको चीजें नजर आ रही होती हैं, रोजाना आप देख रहे होते हैं, वो तो अगर जेब में आपके पास है वो बार बार आपको गिनने पड़ेंगे अब कितने बच गए ना, अब वो मोबाइल पे आप आपके फिंगर टिप्स पे होता है, बस आपने ऐप खोली वहाँ पे आपको सारी चीजें पता चल रही हैं कि भाई आपके पास कितने पैसे बच गए, कहाँ कहाँ लग गए, क्या क्या, वो एक रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होता है। ऐसा ही है, और इसके अलावा हम अगर विजुअली इंपेयर्ड पर्सन की बात करें तो पहले हमारे पास ब्रेल लिटरेसी का बहुत सारा सिस्टम था, यानी हमारी बहुत शिकवे शिकायतें थे कि हमारे सिर्फ स्कूल का करिकुलम ही कोई ऐसा बंदा आ जाए, अल्लाह का नेक बंदा फरिश्ता आ जाए कि जो हमारे स्कूल के करिकुलम को ही कम से कम ब्रेल में जो है वो कन्वर्ट कर दे, और वो नहीं हो पाया, लेकिन उसकी जगह स्मार्ट वर्क ने ली कि हमने हमारे पास ऑडियो बुक्स का रिकॉर्ड आने लग गया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम ऑडियो बुक्स में सिर्फ ना सिर्फ अपना स्कूल का करिकुलम, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का करिकुलम, बल्कि इससे हट के सेल्फ हेल्प की बुक्स हैं, फाइनेंशियल बुक्स हैं, और जितने बुक्स हैं उनको भी हम कहीं ना कहीं एक्सेस कर पाते हैं थ्रू दो ऑडियो बुक्स, और अब तो वो सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं कि हम सिंपल एक टेक्स्ट बुक को या जो भी हमारे पास PDF टाइप बुक्स मिलती हैं हमें नेट से, उनको हम जो है वो ऑडियो बुक्स में कन्वर्ट करके आराम से सुन सकते हैं। और ना सिर्फ साइटेड विजुअली पेड पर्सन बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द साइटेड पर्सन भी यही काम करते हैं, आई गेस के वो ऑडियो बुक्स करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से जो प्रोफेशनल्स हैं उनको सुना तो उनका यही था कि यार हम कुकिंग कर रहे हैं तो हमने साथ में जो है वो पॉडकास्ट लगा लिया, साथ में कोई प्लेयर लगा लिया जिसमें एक ऑडियो बुक हमने सुन ली, तो हमारा खाना पक गया साथ में हमने वो कुकिंग भी सीख ली, मतलब खाना पक गया सामने हमने बुक भी सुन ली। सेम थिंग हम ट्रैवलिंग कर रहे थे तो साथ में हमने हमारे शाह साहब कासिम अली शाह साहब बहुत मशहूर नाम है, वो कहते हैं कि जब भी मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक ऑडियो बुक में उसमें सुन लेता हूँ। तो मतलब ये एक सीन है कि स्मार्ट वर्क लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और विजुअली इंपेयर्ड पर्सन की लाइफ में तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क ने इफेक्ट किया, बहुत ज़्यादा किया। जनाब ब्रेक का वक्त हुआ, चाहता है एक गाना सुनते हैं, उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है वो काफी डिले हो रहा है तो उस पर बात करनी है। आप कहीं मत जाइएगा, नई सुबह वेब रेडियो लगाए रखिए, बैटल ऑफ द बेस्ट जारी है।
वेलकम बैक। एक और गाना सुन लिया, एक और ब्रेक खत्म हो गई, मतलब छो तो हो गया खत्म। अच्छा जनाब, हम अभी कहीं नहीं जाने वाले क्योंकि टॉपिक आज का है बड़ा शानदार, बड़ा मजेदार और कहीं ना कहीं मेरे नाम से रिफ्लेक्ट करता है, टमाटर बड़े मजेदार। वेल जनाब, ये मीम्स का भी हमारा टॉपिक होना चाहिए, पुरानी मीम्स वर्सेस नई मीम्स। करेंगे। चलो, अगर लिसनर्स की फरमाइश आई तो लो भाई, लिसनर्स सारी कहानी आप पे डाल दी, सारा गेम आप पे डाल दिया। लिसनर्स गेम ऑन है, अरे गेम ऑन है थर्सडे को नहीं, फ्राइडे को गेम ऑन है होता है। अच्छा, गेम ऑन से साकिब याद आया, हमारी टीम यार बांग्लादेश से हार गई यार। अल्लाह, बस ये जख्म नहीं जगाए यार, मैं कहता हूँ बस हम टॉपिक पे ही आ जाते हैं। हम टॉपिक पे चलते हैं इससे पहले कि अकेले शो करना पड़े, क्योंकि टिशू यहाँ से बहुत दूर पड़े साकिब, क्योंकि एक तरफ अरशद नदीम साहब हैं जिनको हमने सोचा भी था और हमने हमारे नई सुबह वेब रेडियो पे काफी उनके हवाले से बात भी हुई और जितना हमारे लिए ये फखर की बात है, हमारा सर बुलंद हुआ, पाकिस्तान का परचम बुलंद हुआ। पाकिस्तान का परचम तो हमेशा बुलंद रहता है, लेकिन मजीद दुनिया में जब कौमी तराना वो पढ़ा गया, गाया गया, जब जीत को सराहा गया, तो बड़ी खुशी हुई पर्सनली। तो इस पर भी बात करेंगे, अभी टॉपिक पर आते हैं। मतलब कुछ रह गया, अभी इस पर भी बात करेंगे, यही बात करनी थी। उन्होंने मेडल लिया है और उस पर पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ है, और इसके अलावा आप क्या बात करेंगे कि वो जूलियन थ्रो के क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं। आई थिंक इसके लिए आपको 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि गेम ऑन है, नई सुबह वेब रेडियो पर चलेगा। उमर भाई, प्रमोशन के पैसे आ जाने चाहिए। अच्छा जनाब, हमने टॉपिक पर चलते हैं, तो टॉपिक है क्या वैसे जनाब? आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी हम बात भी कर रहे थे कि स्मार्ट वर्क की जो सबसे बड़ी क्वालिटी आजकल चल रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लोग कुछ लिखना होता था वो घंटे घंटे अपना बैठ के सोचते थे फिर लिखते थे, लेकिन आज भाई एक प्रॉम्प्ट। बस आगे बढ़ा, पहले ये बताएं मैं क्या ले रहा हूँ, आप क्या ले रहे हैं, पता चले आप मेरे टॉपिक पे बोले जा रहे हैं। डिबेट बैटल मैन, आप क्या ले रहे हैं, आप खुद लेंगे। हाँ पता है ना, दो दफा मुझे फंसा दी आवाज, खुद लेंगे। लिसनर्स ये मेरे साथ ना सिर्फ इस मामले में इंसाफ नहीं होता, बाकी तो खैर है चलता रहता है। लिसनर्स आपके लिए कुर्बानी देता हूँ मैं, बताएं आप क्या करें, आप कैसे बताएंगे, आप जब तक बताएंगे तब तक तो दूसरा प्रोग्राम शुरू होने वाला होगा। लिसनर्स बताने का तरीका वो ये 0330860072 facebook.com/ नई सुबह इंस्टीट्यूट भी एक हमारा रब्ते का जरिया है, तो उसको भी जरूर चेकआउट किया करें। हो गया, मैं बता रहा था ना, सबर ही नहीं है, मतलब मैं इसी सिलसिले में अपना दिमाग चला रहा था, बैकअप द माइंड की मैं क्या टॉपिक लूँ, तो आई थिंक मुझे ह्यूमन इंटेलिजेंस ले लेना चाहिए। ओल्ड इज गोल्ड यू नो, AI तो अभी बच्चा है, छोटा जुम्मा 4 दिन हुए यार, ये हमें रॉक करना चाह रहा है, लेकिन वैसे गलत तो हो गया मेरे साथ लिसनर्स, मैंने इन पे जो है ना इनके हाथ में ये बॉल दे के मैं खुद फंस गया। अच्छा, क्योंकि कोई नहीं मैं AI ले लेता हूँ। नहीं बस सही है ना, अब आगे बढ़ते हैं। बस ये हमदर्दियाँ लेने का एक रास्ता था। हाँ, इस गुब्बारे से भी हवा निकाल दी मैंने। चले लिसनर्स, अब आप बैटल देखें। बस भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जहां अभी हम स्मार्ट वर्क की तारीफें कर रहे थे, सबसे बड़ी क्वालिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये है कि आपका टाइम बचता है। सबसे बड़ी बात, आजकल के दौर में किसके पास टाइम है कि आपको ऑफिस वर्क भी देखना है, आपको बाकी चीज़ें भी देखनी है, आपको पर्सनल कुछ कंटेंट राइटिंग करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसान की लाइफ में, यहाँ भी जाना है वहाँ भी जाना है, फास्ट पेस दौर चल रहा है, तो ऐसे मौके पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चीज़ें आसान कर दी हैं आपके लिए। जो आप दिनों में चीज़ें लिखते थे वो आप मिनट्स में अब लिखने लगे, तो टाइम सबसे बड़ी क्वालिटी मैं समझता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आकर टाइम बचाया है। तो ऐसा नहीं, बात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई, आप मुझे बताएं लिसनर, 1 घंटे का शो है, आज से पहले भी रेडियो पे 1 घंटे का शो होता था, अब भी 1 घंटे का हो रहा है, कौन सा टाइम बचा आपका? कुछ टाइम बचा, आप जब शो करने आते थे तो पहले आप जब रिसर्च करते थे, जब हाँ, आप तो कंटेंट राइटिंग करते थे, आप स्क्रिप्ट लिखते थे। सबर करो, हमारी बारी आने दो। अच्छा, होले होले। अच्छा जनाब, आप चैट जीपीटी को बोले कि मुझे सिर्फ सलाम का जवाब दे दे, वो आपको इतना लंबा सलाम का जवाब देगा कि आप किसी को सेंड ही नहीं कर पाएंगे। पहले आप उसको कहीं और फाइल लेंगे, वहाँ एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद कॉपी करेंगे, फिर वहाँ किसी उसको सेंड करेंगे। इससे बेहतर यही था जब इंसान ह्यूमन इंटेलिजेंस पे रिलाय करता था, AI पे रिलाय नहीं किया करता था, तब वो सलाम का जवाब खुद लिखा करता था और उस पे उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा होती थी। मैंने देखा है कितने लोगों को कि वो प्रपोजल सेंड करते हैं और उसके बावजूद मसल्ले में बैठ के दुआ करते हैं, या अल्लाह कहीं पकड़ा ना जाऊं, ह्यूमन इंटेलिजेंस ही लगे AI ना लगे।
तो फायदा ऐसी रिलायबिलिटी का कि जहां आप उसके ऊपर श्योर ही नहीं हो पाते, कॉन्फिडेंट ही नहीं हो पाते। और सेकंड थिंग, एआई को आपने अभी तक टैबू समझा हुआ है, उसको आप डिफेंड करने आ गए। यानी एक तरफ आप उसे अपनी डेली लाइफ में लाने के लिए तैयार नहीं है, आपके जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो ये चाहते नहीं है कि एआई का आप इफेक्टिव यूज कर पाएं, और दूसरी तरफ आप जो है वो कहते हैं कि नहीं, ह्यूमन इंटेलिजेंस ज्यादा बेहतर नहीं है, एआई ज्यादा बेहतर है। साहब अभी मैं बात करना चाह रहा था कि आपने कहा कि अगर हम सलाम लिखते हैं तो उसका जवाब इतना लंबा चौड़ा आ जाता है, उसको बैठ के एग्जाम्पल है जो भी हो, अब इसको डिफेंड करने दे मुझे। तो होता ये कि आप उसको उस तरह से प्रॉम्प्ट देना, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए, आपको खेलना आना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, जिस तरह आप लोगों के साथ खेलते हैं इसी तरह आप रोबोट्स के साथ भी खेलो यार। उसको प्रॉपर बताओ कि मुझे इतनी लाइंस में जवाब चाहिए, मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे इस तरह का जवाब चाहिए। इंटेलिजेंस तो कोई ना हुई फिर तो, अगर क्यों तो नहीं हुई, मतलब आपको, मतलब कोई मुझे उंगली पकड़ के घर पहुंचाया है, मैं बोलूं यार मैं तो खुद आया हूँ, ये क्या बात हुई? आहा क्या बात है सर, मैं तो रियल लिस्टर सागर ब्रदर शॉट एसएन इकबाल रॉक। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपके जहन में कोई ऐसा जवाब ही नहीं आ रहा जो आप देना चाह रहे हो तो बैठ के, अभी आपके जहन में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, मेरे जहन में बहुत सारी चीजें, मैं आपका रिएक्शन चेक कर रहा था। अच्छा, अच्छा। हाँ, मैं आपको खुश करना चाह रहा था। देखे, अगर मेरे खामोश होने से कोई खुश हो रहा है तो आप शो छोड़ के चले जाएं। अच्छा, तो ये बात चल रही थी कि आपका टाइम ज़ाया हो रहा होता है इस तरह, अगर आपके जहन में कोई जवाब नहीं आ रहा लेकिन आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलोगे वो आपको प्रॉपर जवाब दे देगा, तो टाइम बच गया ना। बस इधर टाइम बचा, अगर आपके जहन में वैसे कुछ नहीं आ रहा तो फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस तो वैसे ही रही नहीं ना। नहीं रही ना, बस बेकार हो गए फिर। नहीं तो उस कैटेगरी के लोग जिनके पास जहन नहीं है, या उनका जहन अपना जहन का इस्तेमाल सही से नहीं करते, या जहानत नहीं है, तो क्या उनकी रिप्लेसमेंट अगर AI है फिर तो मुझे कोई मसला नहीं है। मतलब वो तो कोई 0.001% लोग होंगे जिनका दिमाग काम नहीं करता, तो उनकी रिप्लेसमेंट अगर AI है। अच्छा, AI के ना और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जरूरी नहीं है कि हम उसको कंटेंट राइटिंग पे ही फोकस रखें। AI का जो सबसे अच्छा इफेक्ट मुझे लगता है ना वो ये है कि जो हमारे यहाँ आर्टिफिशियल लेग्स और आर्टिफिशियल हैंड्स आए, मतलब आर्टिफिशियल पार्ट्स कुछ इस तरह के बन गए कि जो हाथ किसी का काम नहीं करता, किसी एक्सीडेंट में हाथ उसका गायब हो गया कुछ इस तरह, तो उनका हाथ जो है वो ह्यूमन हैंड जो है वो आर्टिफिशियल हैंड से रिप्लेस हो जाता है, तो उसके ऊपर पूरा AI बेस्ड काम हुआ होता है। दैट इज समथिंग यू कैन से मिरेकल ना, क्योंकि मैं समझता हूँ अगर किसी को हाथ के जरिए ज़िंदगी मिल जाती है तो ये सबसे बड़ा जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन है किसी के लिए। बिल्कुल, AI सिर्फ कंटेंट राइटिंग नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको कुछ यूनिक एंड क्रिएटिव थिंग्स मिल रही हैं जो आपको शायद जैसे मैं समझता हूँ कि एक कल्चर होता है तो उस कल्चर में वो चीज़ें नहीं हैं या उस मुल्क में वो चीज़ें नहीं हैं, आपको बाकी लोगों के हवाले से भी पता चल रहा है कि बाकी दुनिया में कहाँ किस जगह पे क्या चल रहा है, मतलब आपको उसकी थिंकिंग भी पता चलेगी, जो बड़े मतलब लोग होते हैं, बड़ी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनकी थिंकिंग तक आपकी रसाई हो रही है, क्योंकि AI को पता है कि लोग किस तरह सोचते हैं और बड़े लोग किस तरह सोचते हैं और छोटे लोग किस तरह सोचते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देता है। तो आपको क्रिएटिव थिंग्स, आपको कुछ इंटरेस्टिंग जो आपके जहन में नहीं है वो आपको चीज़ें मिल रही हैं जो शायद आपके वहमो गुमान में भी नहीं होंगी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ना आर्टिस्टिक पॉइंट पे आता हूँ। AI कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकता, ये मैं आपको बता। एक आर्टिस्ट है ना, जिस तरह की, क्योंकि मैंने ये बात इसलिए की क्योंकि लोग आज जो है वो imagen.ai से अपनी पिक्चर्स बनवा रहे हैं और ChatGPT से अपनी शायरी लिखवा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ आर्ट का मजाक उड़ाने वाली बात है। बिकॉज आर्ट जो है ना वो एक शायर है, वो क्या करते थे कि पूरी रात आप जो है वो एक दर्द के जेरे असर होते हो ना, तो सुबह को आपको कुछ आई है, मतलब वो चीज़ AI को फील नहीं हो रही, जो आपके एहसास है ना, एहसास को आप तकलीफ में कन्वर्ट करते हो, दिस इज़ कॉल्ड समथिंग आर्टिस्टिक, जो चीज़ आपकी आपका आर्ट होती है। तो आई थिंक ये एक थोड़ा सा AI के साथ इंसाफ नहीं है, क्योंकि AI ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि वो जो है वो एक आर्टिस्टिक अप्रोच के साथ उसको मार्केट में फेंका गया है। यानी कोई शायराना चैट बॉट नहीं आया, तो इस तरह का बॉट नहीं आया कि जो आपको जो पेंटिंग्स करके दे, समथिंग लाइक जो आप सोचते हैं। फिर अगेन वही बात कि प्रॉम्प्ट देने से वो चीज़ अगर उसमें आप वो फील ला सकते हैं जो कि मैं अभी तक नहीं ला पाया भाई। सीधी बात है, मैंने बहुत पोइट्री ट्राई की AI से, बट मुझे अभी तक, क्योंकि पोइट्री होती है जिसमें आपकी वाह वाह निकले, ऐसा नहीं कि आप बस वाह भाई वाह वाह करते रहे, तो जो ये वाह वाह निकलने वाली पोइट्री है ना, या लोगों की वाह वाह निकलवाने वाली पोइट्री है, ये AI से आप एक्सपेक्ट ना करें। और सेकंड थिंग, AI के आने से जो बहुत बड़ा नुकसान ह्यूमन इंटेलिजेंस को हुआ है वो रिलायबिलिटी का हुआ है। हम हर चीज़ पे, खुद मैं जाती तौर पे अगर मैं बात करूँ तो मुझे पहले जो जिस तरह से लोग चलते फिरते, कोई मेरा फ्रेंड या कुछ बोलते, यार ये ऐड बना दो या इसको इस तरह से बता दो,
तुम इस तरह से क्या राइट करते हो, कोई कैची लाइंस बता दो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत कुछ शार्प आदमी था या क्या, मैं बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करके थोड़ा बहुत बता दिया करता। अब ऐसी कोई आदत पड़ी है ना कि मैंने अपना व्हाट्सएप बिजनेस को अनइंस्टॉल करके व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लिया जस्ट बिकॉज कि उसमें मेटा AI है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी रिलायबिलिटी है कि समथिंग जो कि आपके लिए बहुत डिस्टर्बिंग इस वजह से हो सकती है कि जब आपके पास नेट नहीं है या आपके पास कुछ इस तरह का टूल अवेलेबल नहीं है तो आप उस वक्त थोड़े से ब्लैंक हो जाते हो किसी न किसी स्टेट ऑफ माइंड में। तो मैं समझता हूँ जो लोग थोड़े बहुत क्रिएटिव हैं उन्हें AI ज़रूर यूज़ करना चाहिए, AI को टैबू ना बनाएं, प्लीज़ AI को यूज़ करें। क्योंकि हमने क्या किया, 90s के दौर में कंप्यूटर आया, हम लोगों ने उस पर जो है वो इतनी रिलक्टेंस शो की कि हम नहीं करेंगे इस्तेमाल और इससे तो जॉब चली जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लोगों ने उसी कंप्यूटर से इतनी तरक्की की कि आज वो AI तक पहुंच गया और अभी हम कंप्यूटर पर पहुंच गए। तो इससे पहले कि हम AI में भी इतना ही लेट हो जाएं, हमें AI को एक्सेप्ट करना चाहिए। अपने मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को भी ये रिकमेंड करूँगा, ऑब्वियस बात है, दिस इज़ नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म, ये अवेयरनेस का प्लेटफॉर्म भी है और एजुकेशन का जो है वो एक बहुत बड़ा सोर्स भी है। तो जितने पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों को AI से ज़रूर मुतारिफ कराएं, जब उनकी लाइफ में यूसेज होगा उसका तब होगा, तब की बात है, लेकिन एटलीस्ट आप उनको अवेयर रखें कि दुनिया में ये चीज़ भी आ चुकी है, इसका इस तरह से यूज है, ये लाइफ में इस तरह से इफेक्टिव हो सकता है और इसके ये नुकसान हैं। आप इन चीज़ों से बच्चों को अवेयर रखें और अगर आप खुद प्रोफेशनल्स हैं तो अपनी लाइफ को जो है वो AI के साथ इंटीग्रेट करें, क्योंकि नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी आएगी उस तक आप तब पहुँच पाएंगे जब आपने सिर्फ ये AI टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया होगा। अच्छा रुके रुके, यहाँ पे बहुत हो गया, मेरी भी बारी आनी चाहिए। अच्छा मेरा सवाल है, 99,999 प्लस 76,150 मल्टीप्लाई बाय 4,176 लिस्टर्स, हम चलते हैं एक ब्रेक की जाने, गाना सुनकर आते हैं। नहीं अब कहाँ जा रहे, बताएं ना अब अगर आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने बैठ गए तो आपका कितना टाइम लगेगा। पहले आप पर्चा पेन उठाएंगे, उसके ऊपर आप लिखेंगे और उसको आप देखेंगे, फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, फिर कहीं जाके आपको जवाब मिलेगा। लेकिन आप कैलकुलेटर पे लिखते जाएं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वो आप लिखते जाएं और आखिर में आप बटन दबा दें तो आपको उसी टाइम जवाब मिल जाएगा। तो इस पे क्या कहेंगे सरकार, मैं वही तो कह रहा हूँ कि गाना सुना दो लोगों को क्या अब कुछ नहीं कहाँ ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक पॉइंट ये है कि एरर फ्री नहीं है, इसमें एरर होते हैं, AI एरर फ्री है इस वक्त तक। हाँ बग्स ऑब्वियसली आ सकते हैं, बट जिन इक्वेशंस का या जिन चीज़ों का उन्होंने क्लेम किया हुआ है, लेट सपोज कैलकुलेटर ने क्लेम किया हुआ है कि वो आपको कैलकुलेट करके देगा, तो कैलकुलेशन में कभी एरर नहीं आएगा। हाँ उसके चलने में लैगिंग आ सकती है, कहीं खराबी हो सकती है, लेकिन कैलकुलेशन को सॉल्व भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, पूरी टीम मुझे काम कर रही है और काम करने वाले भी ह्यूमन हैं, बस आपने मान नहीं लिया ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करने वाला कौन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने वाला कौन है, ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो वो हो गया, वो पुरानी बात हो गई, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने आप को खुद बिल्ड करेगी। जैसे उस्ताद अगर कुछ बच्चे को सिखाता है ना, शागिर्द को सिखाता है, तो एक टाइम आता है वो शागिर्द उस्ताद को फिर समझता है, छोड़ जाता है, लेकिन उस्ताद फिर उस्ताद रहता है, उस्ताद फिर भी उस्ताद रहता है, सिर्फ इज्जत और मकाम की हद तक। वैसे मैं समझता हूँ कि वो जो शागिर्द होते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं। आगे निकलने का मतलब ये नहीं है कि वो उस्ताद बन जाते हैं, तो अपने अपने नीचे वालों के उस्ताद सिर्फ इज्जत और मकाम की हद तक उस्ताद नहीं बनते उस्ताद के लिए। नहीं यही तो मतलब है कि एक बंदे ने सब कुछ सिखाया, दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाया, क्या वो मिसाल है, पता नहीं बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखाया, इस तरह की मिसाल है। तो मतलब वही है कि उस्ताद के पास जरूर ऐसा कोई ना कोई गुण होता है जो उस चीज को वो टैकल करने के लिए, अपनी उस्तादी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी चाहिए होता है। कोई भी उस्ताद सौ से पता नहीं लिखा, और सेम थिंग आपको वीकनेसेस नजर आएंगे। तो अभी तो हमने AI के शाहकार देखने हैं, अभी तो पार्टी शुरू, अभी तो बहुत सारी चीज़ें, अभी आप कह रहे थे फीलिंग्स और एहसासात, उसके बाद खबरें आ रही हैं और मजीद बहुत कुछ आ रहा है जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता इंसान, वहमो गुमान में भी नहीं होंगी ये चीज़ें। मैं ये समझता हूँ कि ह्यूमन इंटेलिजेंस खुद अपने आप को AI में कन्वर्ट करिए, AI इटसेल्फ कुछ भी नहीं। वेल ये अभी पता लग जाएगा, अभी AI की वीकनेसेस भी सामने आएंगी, अभी रुको जरा। परल मैं आपको शायरी भी लिख के लाऊंगा कल, मतलब नेक्स्ट शो में जब हम आएंगे तो आपको सुनाएंगे कि भाई ऐसी शायरी लाऊंगा जिससे आपकी आहें निकलें, जिससे आपकी आय हाय निकले, तो AI से लिखवा कर मैं लाऊंगा और एहसन को इस पर भी गलत साबित करेंगे। ओके लिसनर्स, आप हमारे साथ हैं, बिल्कुल आप हमारे साथ हैं। ब्रेक का वक्त हुआ जाता है बहुत ज़्यादा, इस पर तो मैं समझता हूँ कि बहुत लंबी डिबेट चल सकती है, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम है, ब्रेक की तरफ जाना है। चलिए जनाब ब्रेक की तरफ जाइए, आज आप जीत गए तो इसी खुशी में कुछ खिलाइए।
आते हैं हम जबरदस्त गाने के बाद थोड़े थोड़े खाने के बाद। वेलकम बैक लिसनर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। बैटल ऑफ द बेस्ट जारी है, लेकिन वक्त हुआ चाहता है अब आपसे इजाजत का, क्योंकि टाइम हमें बता रहा है कि प्रोग्राम का खत्म होने का टाइम आ चुका है। तो अब हम आपसे चाह रहे हैं इजाजत। आज के प्रोग्राम में भी बहुत मजा आया, बहुत सारी चीजों पर बात हो गई। तो एहसन इकबाल, आज का शो और ओवरऑल आगे क्या हो रहा है? लिस्टनर्स, आपसे बहुत माजरत, आपके कमेंट्स इस प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सके। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह शामिल जरूर करेंगे। इस वजह से आप अपने कमेंट्स नहीं रोकिएगा, फीडबैक देते रहिएगा, क्योंकि हम आपके लिए कंटेंट लेकर आते हैं। इसीलिए लेकर आते हैं कि आप सुनेंगे, पसंद करेंगे, हमें बताएंगे क्या बेहतर करना है, क्या नहीं करना, किसको सही होना है, किसको नहीं होना। तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही मैं बार बार तरीका नहीं रिपीट करूंगा, टाइम नहीं है। तो लिसनर्स, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बारिशें हो रही हैं, अपने आसपास के वेदर को देखते हुए अपनी जो है वो जो भी स्केजलिंग है वो कीजिएगा। और सेकेंड थिंग, अपने जान का, अपने माल का, अपने आसपास लोगों की जानों की हिफाजत जरूर कीजिएगा, जितनी आपके इन्फ्लुएंस में है, जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है भाई, सीधी बात है। तो लिसनर्स, हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम का वेट कीजिएगा। हम आएंगे इसी एनर्जी के साथ और इसी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन, इंफोटेनमेंट के साथ, अच्छे से गानों के साथ, इसी प्रोग्राम में, इसी प्लेटफॉर्म पर। सुनते रहिए, दुआ में याद रखिए।